नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 BHK इंटीरियर की गोर सिद्धार्थ हमने सिद्धार्थ विहार में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने मेन डोर से। मेन डोर पर हमने क्या हुआ है, जैसे ये यहाँ पर बिल्डर का प्रोवाइडेड डोर है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। अंदर चलते हैं। अंदर चलने के साथ हमारा राइट हैंड साइड पे किचन आ जाती है। किचन का लुक की बात करें, किचन कुछ इस तरह से है, एल शेप की किचन है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, 2 कलर नीचे का पार्ट हमने चेंज कर दिया है। इसमें कलर फ्रंट पार्ट आपका चेंज किया है। इसमें हमने यहाँ पर सामने 3 बास्केट ये और इधर के BPO दिया हुआ है। बास्केट दिखा देता हूँ मैं आपको। बास्केट की बात करें तो ये आपका कटलरी आ जाता है इधर, ये आपकी एक मल्टीपर्पज आ जाती है। और इधर ये नीचे भी हमने यहाँ पर मल्टीपर्पज लगाई हुई है। इधर इस पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमने BPO लगाया हुआ है, बोतल पुलाउ जिसे हम बोलते हैं। तो ऊपर बात करते हैं, सामने हमारा ये बीच में चिमनी का स्पेस जाता है। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने 4 गिलास के पल्ले लगाए हुए हैं और ऊपर ये इस तरह से लॉफ्ट बनाई हुई है। तो हमने यहाँ पर जो हैंडल लेस किचन बनी हुई है, मतलब हैंडल की जगह हमने यहाँ पर जी प्रोफाइल यूज की हुई है। और इधर ये हमारा यहाँ पर सिंक आ जाता है। सिंक के नीचे की बात करें तो सिंक के नीचे हमने ये आपका इधर सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये डस्टबिन का दिया हुआ है और ये आपका डिटर्जेंट वगैरह का दिया हुआ है। तो फिर बात करते हैं अपने डोर्स की। इसमें हमने क्या किया, डोर इस तरह से रिनोवेट किए हुए हैं हमने। यहाँ पर ये फ्रंट में आपका बूथ साइड लैमिनेट और यहाँ पर ये टी प्रोफाइल का डिजाइन डाल दिया इस तरह से। और आपकी चौखटे पैनलिंग की हुई है। तो चलते हैं पहले मास्टर बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। मास्टर बेडरूम में जैसे हम एंट्री करते हैं तो सामने की तरफ जो हमने वार्डरोब बनाई है कुछ इस तरह से है। हमने इसमें वार्डरोब में 2 कलर यूज किए हुए हैं, आपका लाइट ग्रे और नीचे ये आपका टीक कलर यूज किया हुआ है और नीचे ये ड्रॉर दी हुई है। तो अंदर के पार्ट की बात करें, दरअसल में पहले हम फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट में हमने यहाँ पर 3 शटर की अलमारी है, जिसमें कि अंदर की बात करते हैं। अब अंदर की बात करें तो कुछ इस तरह से अंदर का डिजाइन है, एलिवेशन जो दिया हुआ है। ऊपर आपका लॉफ्ट एरिया आता है, बीच में ये आप जो देख रहे हैं हैंगर स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक सेल्फ डाल दिया है और नीचे एक ड्रॉर दे दिया है इसमें। थर्ड सेक्शन की बात करें, थर्ड सेक्शन में हमने इक्वल साइज के यहाँ पर ये सेल्फ डाले हुए हैं। तो इसी रूम को इसी रूम में हमने 2 वार्डरोब बनाई है। तो सेकंड वार्डरोब की बात करते हैं, सेकंड वार्डरोब हमारे यहाँ पर स्लाइडर वार्डरोब है, जिसका लुक पूरा इस तरह से आता है। ड्रेसिंग भी साथ में ही दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमारा हैंगिंग स्पेस आ जाएगा और यहाँ पर ये का बीच में एक फोल्डेबल सेल्फ डाल दिया, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक ड्रॉर है और नीचे एक फोल्डेबल सेल्फ है। और सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमने कुछ इस तरह से हैवी स्टोरेज के लिए बनाया हुआ है। तो इधर यहाँ पे हमने सामने की बात करते हैं, यहाँ पर हमने ड्रेसिंग दिया हुआ है, नीचे एक नॉर्मल शटर बना दिया है, ऊपर एक डोर है और यहाँ पर ये शीशा लगा दिया है। तो गाइज हमने यहाँ पर क्या किया, 2 कलर ही सेम अपना, मतलब एक ही कलर उसमें आपका एक रूम में एक ही थीम ली हुई है, लाइट ग्रे और आपका टी कलर। इसमें हमने कुछ इसका हमारा शो बढ़ाने के लिए इस तरह के मैट फिनिश के हैंडल हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। टीवी के लिए बात करते हैं तो टीवी के लिए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल 2 ड्रॉर बनाई हुई हैं। आपका सेल्फ है, बीच में आपका टीवी जाएगा और एक ऊपर सेल्फ लगाया हुआ है। डोर कुछ इस तरह से रिनोवेट किए हुए हैं। आपकी चौखट की माइका की चौखट की पैनलिंग कर दी है चारों तरफ से और बीच में ये टी प्रोफाइल का डिजाइन डाल दिया है इस तरह से कुछ। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम में जैसे हम एंट्री करते हैं हमने यहाँ पर एक स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई हुई है, जिसमें कि व्हाइट कलर यूज किया हुआ है और ये बीच में डिजिटल माइका की पट्टी डाल दी है। और इसमें आप जो तो ये देख रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की टी प्रोफाइल डाल दी है। तो अंदर की बात करते हैं, पहले अंदर का चीज दिखा देता हूँ, अंदर का एलिवेशन दिखा देता हूँ मैं आपको।
अंदर की बात करें तो कुछ इस तरह से अंदर का डिजाइन है। हमने यहाँ पर ये हैंगर स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पर ये इसमें सेल्फ डाल के दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर दो ड्रॉर और नीचे एक फोल्डेबल सेल्फ डाला हुआ है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, हमने इक्वल साइज के यहाँ पर चार भागों में डिवाइड कर दिया इस स्पेस को और यहाँ पर दो ड्रॉर और नीचे एक फोल्डेबल सेल्फ। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, दो शटर दिए हुए हैं, एक यहाँ पर ये ड्रॉर दी हुई है और ये सीएनसी जाली के हमने यहाँ पर ये पल्ले लगा दिए और ये यहाँ पर मंदिर बना दिया। मंदिर में हमने ओम का सीएनसी जाली ओम कटिंग करके लगाया हुआ है और इसके पीछे भी लाइट लगना बाकी है और यहाँ पर ये आपका स्टोरेज के लिए लिफ्टअप पल्ला बना दिया है इस तरह से, इसमें आप स्टोरेज रख सकते हो और ऊपर लोफ्ट बना दिया है। और हमने यहाँ पर ये फोल्डिंग स्टडी टेबल बनाया हुआ है जो कि इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हो, जो आपको यूज करना हो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, इस तरह करके काफी हैवी है, काफी अच्छा इस पर वेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।